हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा मीणा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, टेस्टी चकोड़ी, एकदम स्वीट शॉप स्टाइल में, जैसे हम लोग मार्केट से खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही। उसके लिए मैंने लिया है मैदा, मैदा 2 कटोरी है। उसके अलावा ये है अजवाइन 1/2 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून, तिल्ली 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तेल तलने के लिए और 2 स्पून घी है। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसमें मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। इसी कटोरी से मैं मैदे का भी इस्तेमाल करूँगी। पानी जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट हो गया, उसमें मैंने डाला है हल्दी। हल्दी सिर्फ मैं कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो हल्दी को स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। फिर मैंने डाला है अजवाइन 1/2 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून है और ये है सफ़ेद तिल्ली 1 टीस्पून है। डाल के मैं डाल रही हूँ घी। घी की जगह आप डालडा बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 टीस्पून डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैं 1/2 टीस्पून से भी कम डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, थोड़ा सा कम ही डालना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। जैसे ही पानी में अच्छे से बॉईल आया, उसके बाद उसी कटोरी से, जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था, उस कटोरी से मैं 2 कटोरी मैदा डाल रही हूँ। डाल के अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करके अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसके बाद मैं इसे ढक के ठंडा होने रख दूंगी। ठंडा मतलब एकदम ठंडा नहीं, उतना ठंडा जितना कि हम लोग हाथ से इसको हैंडल कर सके। जैसे ठंडा हो जाएगा, इसका हम लोग सॉफ्ट डो करेंगे। अब मैंने इसको ढक दिया है। 10 मिनट बाद आटा काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया। काफ़ी अच्छे से मीन्स हमें उतना ही ठंडा करना है जितना कि हमें हैंडल करना आसान हो। अभी आटा थोड़ा सा कुनकुना है। अब मैं इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाऊंगी। उसके लिए मैंने हाथ को गीला किया है ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से। उसके बाद मैं इसका डो बना रही हूँ, अदरवाइज हाथ जल जाएगा। और हमें इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो 2 कटोरी पानी है, उसी से आटा बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैंने लिया मुरको बनाने वाला मशीन और ये जिसमें एक होल होता है वो वाला साँचा। अगर आपके पास वो वाला साँचा नहीं है तो जिसमें बड़ा होल हो उसका आप इस्तेमाल करना। अभी मैंने मशीन में थोड़ा सा घी लगाया है, अब उसमें मैं डाल रही हूँ आटा। घी लगाने से आटा मशीन में चिपकेगा नहीं। उसके बाद इसके हम बनाएंगे चकोड़ी, इसे रिंग मुरको भी कहा जाता है। अभी मैंने मशीन को बंद कर दिया है। बंद करके मैंने एक प्लेट लिया है। प्लेट लेके उसमें मैं डाल रही हूँ लंबा लंबा, जितना लंबा आप बना सकते हो उतना लंबा आप बना लेना। बनाने के बाद इसको हम लोग तोड़ के इसके रिंग मुरको बनाएंगे। अब ये बन गए हैं। अब मैं एक आटे को उठा रही हूँ, मतलब एक जो लंबा हमने बनाया उसको उठा के ऐसे राउंड करके तोड़ रही हूँ। इस तरीके से एक उठाना है आटा, उसको तोड़ के यहाँ पे जोड़ देना है, बस बनके रेडी है। इसी तरीके से हम लोग सारे चकोड़ी बना लेंगे। ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये जनरली चावल के आटे से बनते हैं ट्रेडिशनली, जो हम लोग घर में बनाते हैं। बट मैं मार्केट स्टाइल में, स्वीट शॉप स्टाइल में दिखा रही हूँ कि कैसे रहता है, इसलिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। ये आप चावल के आटे के भी बनाओ या मैदे के भी, प्रोसीजर सेम है और टेस्ट भी सेम रहेगा। अब ये बन गए हैं, इसी तरीके से हम लोग सारे बनाएंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ से कैसे बनाना है। मैंने एक आटे का लोई लिया है, उसे लंबा किया है, जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं उसके ऊपर या चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ऐसे आप लंबा लंबा कर लेना, मतलब जितना मोटा आपको चकोड़ी रखना है उसके अकॉर्डिंग पतला और लंबा करने के बाद इसे हम लोग काट लेंगे। ये बन गए हैं, मैंने 2 बना लिए हैं। एक मैं पहले उठा के साइड में रखी हूँ, एक को मैं काट रही हूँ। इसमें से मैंने बीच में काट लिया है। फिर उसके बाद जितना आपको मुरकू का, मतलब चकोड़ी का जो लेंथ रखना है उसके अकॉर्डिंग आप काट लेना। काट के बस ऐसे फोल्ड कर लेना, हो गया है। हाथ से बनाना और भी ज़्यादा आसान है, बट मैंने आपको दोनों तरीके दिखाया। आपको जो तरीका ईजी लगता है आप उसका इस्तेमाल करना। अब ये बन गए हैं, इसी तरीके से मैंने सारे मुरकू बना लिए। कुछ को मैंने हाथ से रोल करके बनाया, कुछ को साँचे से। अब हम इनको करते हैं फ्राई। उसके लिए मैं इनको रख रही हूँ साइड में और मैंने तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हुआ कि नहीं पहले आप चेक कर लेना। उसके बाद तेल गरम अच्छे से होना चाहिए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद एक बार में जितनी चकोड़ी आते हैं उतने आप डालना। डाल के मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए इन्हें अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। डालने के तुरंत बाद इसे नहीं पलटना, 1-2 सेकेंड वेट करना है। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको पलटेंगे। पलट के अब मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होते तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। अगर आप लो फ्लेम पे फ्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा ये तेल सोख लेंगे। अगर हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन लगेंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं,
आप इसे फेस्टिवल्स में बनाओ या टी टाइम स्नैक्स बनाओ या ऐसे ही बच्चों को बना के दो, बहुत उन्हें पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, बट अगर हम लोग घर में बनाओ तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन रहेगा। अब ये फ्राई हो गए हैं, मैंने निकाल रही हूँ, निकाल के इसी तरीके से मैं सारे चकोड़ीस फ्राई कर लूँगी। सारे चकोड़ी फ्राई करके आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के 2 मिनट तक भी खा सकते हो। अब सारे चकोड़ी बन गए हैं, आप भी ये टेस्टी क्रंची चकोड़ी बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।